दोस्तों, आप भी अतिथि शिक्षक के लिए अप्लाई किए हुए हैं और अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं कि भाई वैकेंसी कहाँ से देखें, तो यहाँ पर इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। मैं आपको वैकेंसी दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप स्कूल्स में वैकेंसी को देख सकते हैं। अभी हम वर्तमान में अगर देखें तो पोर्टल शो नहीं कर रहा है वैकेंसी। GFMS पोर्टल पर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको उन स्कूल की लिस्ट बताऊँगा जहाँ पर वैकेंसी है और आप उन वैकेंसी को देख के वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। पर दोस्तों, ये बहुत सीक्रेट ट्रिक है। इस ट्रिक को आपको बहुत ही सिंसियरली इसको देखना है बहुत ही, और अगर आपकी किसी एक ब्राउजर में ये ट्रिक ओपन नहीं होती है लिंक, तो आपको किसी दूसरे ब्राउजर में ओपन करना है। कहने का मतलब है कि अगर आपके गूगल क्रोम में ओपन नहीं होती है तो आपको ओपेरा मिनी यूज करना है, ओपेरा मिनी नहीं होती तो फायरफॉक्स यूज करना है, फायरफॉक्स में नहीं होती जियो ब्राउजर यूज कीजिए, जो भी आपके पास ब्राउजर है अच्छा सा उसमें आपको ओपन करना है अगर किसी एक ब्राउजर में लिंक ओपन नहीं होती है। और आपको अलग अलग पैनल में अलग अलग सब्जेक्ट से ट्राई करना है, जो सब्जेक्ट की योग्यता आपके पास है तो आपको वैकेंसी अपने आसपास अपने ब्लॉक में दिख जाएंगी और जाके आपको अप्लाई कर देना है। अभी कुछ टाइम और आपके पास बचा हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर बताइए किस तरीके से हम वैकेंसी को देख पाएं, तो मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये ट्रिक निकाली हुई है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे इस वीडियो को नीचे लाइक का बटन आपके लिए दिया हुआ है उसको जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम कुछ और रिसर्च कर पाते हैं, कुछ और अच्छा कर पाते हैं। साथ ही हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए काम करने का एक अंदर से एक जुनून पैदा होता है, तो मुझे लगता है कि आप लोग जरूर इन चीज़ों को करेंगे। तो चलिए हम लोग हमारे जो टास्क है उसकी ओर बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप गेस्ट फैकल्टी की जो वैकेंसी है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं रिक्तियों को देख के अपने ब्लॉक में अपने विषय में। अगर आप किसी भी विषय से हैं, आप बायो से हैं, आप मैथ से हैं, आप इंग्लिश से हैं, आप सोशल साइंस से हैं, आप साइंस से हैं, आप किसी भी विषय से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जस्ट आपको बताने ही वाला हूँ, आप बहुत आसानी से ये वैकेंसी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। दोस्तों नीचे मैंने आपको एक लिंक दे दी हुई है, आपको उस लिंक पर जाना है atithishikshak.blogspot.com। ये हमारी वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है और इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको पहला पोस्ट ही दिखेगा अतिथि शिक्षक रिक्त पदों की जानकारी देखें 100% वर्किंग ट्रिक सीक्रेट मेथड, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अतिथि शिक्षक ब्लॉक वाइज वैकेंसी 2022 देखना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। हम आपको वैकेंसी देखने के लिए तरीके के बारे में बता रहे हैं क्योंकि इन तरीकों को हमने काफी रिसर्च के बाद खोज निकाला है और आपके लिए यहाँ पर हम बता रहे हैं। लिस्ट ऑफ गेस्ट फैकल्टी अंडर संकुल, संकुल के अंदर वैकेंसी कैसे देखना है ये हम जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं, और जिले की खाली जगहों की जानकारी हम आपको बता रहे हैं। GFMS ब्लॉक पैनल में आपको शामिल होने के लिए इन वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के बाद आप अतिथि शिक्षक के रूप में अपना भविष्य बना सकते हैं। अतिथि शिक्षक दोस्तों मध्य प्रदेश में पढ़ाने के लिए एक पोस्ट है। अतिथि शिक्षक बनकर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से अलग अलग सरकारी विद्यालयों में नियमित शिक्षक के तौर पर अध्यापन कार्य कर सकते हैं। और आप जो है यहाँ पर वैकेंसी को किस तरीके से देखेंगे उसके लिए हम यहाँ पर आपको दो लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आपको हमारे इस ब्लॉग को भी फॉलो कर लेना है। यहाँ पर आप जरूर विजिट करते रहें, यहाँ पर आपको वैकेंसी अपडेट आपको मिलती रहती है। अतिथि शिक्षक atithishikshak.blogspot.com, ये आपको लिंक नीचे हम प्रोवाइड करा दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप सीधे जाके वहां पर जो है विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको तीन हमने जो है दी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी लिस्ट 1 और वैकेंसी लिस्ट 2 और थर्ड है आपका वैकेंसी 1 DPI। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे वैकेंसी लिस्ट 1 या वैकेंसी लिस्ट 2 या वैकेंसी 1 DPI। पहले हम वैकेंसी 1 DPI आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर पहुंच जाने के बाद आपको यहाँ से ऑल डिस्ट्रिक्ट की बजाय अपना जिला चुन लेना है। चलिए हम यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर खंडवा जिला चुन लेते हैं। आपको सारे ब्लॉक अपने ब्लॉक चुन लेना है, हम यहाँ पर पूरे ब्लॉक, विषय आप कोई भी चुन सकते हैं, हम हिंदी चुन लेते हैं और शो पर क्लिक करते हैं। तो आप देखिए हिंदी की सारी वैकेंसी आपके सामने है। अब यहाँ पर जिन भी शिक्षकों ने ज्वाइन किया हुआ है उन शिक्षकों को छोड़ के जो रिक्तियां बची हुई हैं उन पर अतिथि शिक्षक रखे जा रहे हैं, तो आप उन पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सीधी सी बात है। आ जाते हैं वापस हमारे अतिथि शिक्षक वाले पोर्टल पर, और ये रहा हमारा अतिथि शिक्षक का पोर्टल। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, फिर से हम अपने जो है पोस्ट पर जाते हैं और यहाँ पर आप जाएंगे, फिर हम यहाँ पर, अब देखिए हमने यहाँ पर, अब हमें लिस्ट 2 देखना है, मतलब हमें
अब हमको माध्यमिक शिक्षक की देखना है, आदिम जाति कल्याण विभाग की अगर आप लिस्ट देखना चाहते हैं यहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कराई हुई है और बाकी लिंक मैं अपडेट कर रहा हूं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, वो भी आपको जल्द ही इस पोर्टल पर मिल जाएंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पोर्टल पर आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो यहां पर मैं आपको ये सब अवेलेबल करा दे रहा हूं। तो बहुत जल्द आपको एक और हम लिंक अवेलेबल करा दे रहे हैं, तो आप जाके वहां पर सारी पोस्ट को देख सकते हैं। अब हम यहां पर वैकेंसी लिस्ट बन पर क्लिक करेंगे तो यहां से भी आप जो है कई सारी पोस्ट को देख सकते हैं। तो जैसे यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक अनदर पोर्टल ओपन हो जाएगा जिस पर जाकर आप जो है वैकेंसी को देख सकते हैं। तो चलिए हम यहां पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि वैकेंसी हो दी। यहां पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और जो है पोर्टल ओपन हो जाएगा इस प्रकार का। अगर वहां पर गूगल क्रोम में ओपन ना हो तो आपको कोई और ब्राउजर ओपन ले लेना है, चाहे फायरफॉक्स हो या कोई भी हो। तो यहां पर आप लिख सकते हैं सतना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, मेहर सिलेक्ट कर लीजिए, SS1, यहां से आप जो भी चाहते हैं, आप जैसे यहां पर प्रिंसिपल से लेके सारी पोस्ट अवेलेबल है, आप जो चाहते हैं उस पर आप जा सकते हैं। सब्जेक्ट आप केमिस्ट्री से सिलेक्ट कर लिया और HSS आपने यहां पर आपको डालना है आपका NB36, ये आप डालेंगे तो आपकी ये पोस्ट हो जाएंगी। यहां पर आप देख सकते हैं ये मैच नहीं कर रहे हैं, तो S6MA आप यहां पर डालेंगे तो यहां पर आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको दिख गया केमिस्ट्री की कितनी पोस्ट वैकेंट है। वैकेंट यहां पर नहीं दिखेगा आपको, वैकेंट पोस्ट नहीं दिखेगा, तो आप क्या करना है आपको वहां पर स्कूल में जाके पता करना है। ये वैकेंसी तो यहां पर है, मतलब ये इतनी वैकेंसी है जिन पर भर्ती होना है, तो आपको जाके वहां पर पता करना है गेस्ट फैकल्टी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो भी आपकी जानकारी है वो आपको वहीं स्कूल में जाना पड़ेगा। पर आपको अपने ब्लॉक के आसपास की वैकेंसी के बारे में तो जानकारी हो जाएगी, ताकि आप जाके वहां पर पता कर सकते हैं। और यहां पर आप जो है अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, सारी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो अवेलेबल हैं, ब्लॉक अवेलेबल हैं, साथ ही आपको प्रिंसिपल से लेके सारे म्यूजिक से लेके सारे जो है डिपार्टमेंट असिस्टेंट टीचर LDT अध्यापक सहायक अध्यापक SS1 SS2 SS3 लैब PTI असिस्टेंट टीचर साइंस सारी वैकेंसी दोस्तों आपके लिए अवेलेबल है। तो आप बहुत आसानी से जाके इन चीजों को जरूर आप देख सकते हैं। और कोई आपकी समस्या हो तो आप नीचे हमारे इस चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स से वहां पर कमेंट कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।